लड़ाई रुक जाओ, अरे लड़ाई नहीं है, तुम्हें सलूट मारेंगे, क्यों चिंता करते हो? ये जो जब से बीमारी आई है, देखो बीजेपी ने कितना फायदा उठाया इसका। जब से ये बीमारी आई है, हमें और आपको कह दिया मुंह बंद कर लो और नाक बंद कर लो, और सरकार ने खुद अपनी आंख कान बंद कर ली। यही तो हुआ बीमारी से, हमारी आपके मुंह और नाक बंद कर दी कि कुछ मत बोलो अब, और खुद अपने कान और नाक, वो कान और आंख बंद कर ली, कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ न सुनाई दे रहा हमने। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये हमें लास्ट में चलते हुए माझी जी दिखाई दे गए कि हमारी तुम्हारी कि हमारे कार्यक्रम में मंत्री की वो जेल भेज दिया। तो ये जानते हैं कि कैसे बिजली का घर बनाया, 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए, क्योंकि टाणा में बहुत दिन से मांग थी, बहुत जगह पड़ी हुई थी जिसमें बिजली का कारखाना लगना था। ये पूरा समाजवादी पार्टी की देन है जिसकी वजह से टाणा में एक और यूनिट 660 बनी। बीजेपी ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई और पिछले लगातार सालों में बिजली महंगी की है। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बहुत महंगी हो गई। और बिजली महंगी नहीं होने से ना कारखाना आना है, ना हमारा किसान खुशहाल हो सकता है, कोई वो धुएं में चल नहीं सकता। तो इसलिए इसे वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन लगेगी, तो वैक्सीन जब लगेगी इसलिए समय आएगा और समय आ गया, अब दिन नहीं बचे हैं। अब दिन इनका एक महीने का वेतन चला गया और डीए चला गया इनका, पता है कि नहीं पता है? पूछो उनसे, हाँ या ना बोलो, हाँ चल रहा है, उन्हें भी नहीं पता, उन्हें भी पता है। अरे अपने डीए के लिए दिखाई दे रहे हैं, उसका परिवार ही नहीं है तो क्या जाने हैं। सबसे जल्दी बदलने वाला इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है, इसलिए बता रहे गेट बंद कर रखा है। नहीं नहीं, अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। अरे हेलमेट उतारोगे तब तो कान में जाएगी आवाज। और फिर समाजवादी लोग हैं, हमारे घर के आसपास पुलिस लगा दी, बैरिकेडिंग लगा दी,